हमारे सभी श्रोतागण, मैं आज आप लोगों को श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक क्रमांक 41 से 50 तक का पाठ करूंगा, जिसे आप लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये जीवन में किए गए सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला है, इसलिए दिन में एक बार जरूर सुनने का कष्ट करें। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन बहुशाखा ह्य अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। यामीमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यस्तदीस्तिवादिनः कामातमानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसन्न प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, इनकी बुद्धि स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है, जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली हैं, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग या ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मा बुद्धि नहीं होती है। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुणियो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तो उन भोगों एवं साधनों में आसक्तिहीन हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यावान अर्थ है उदपाने सर्वतः संप्लुतो दके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा मेरी तेरी कर्म ना करने में ही आसक्ति ना हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। दूरेण ह्यावरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरण मन विच्छ कृपणाः फलहेतवः। इस समत्वरूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए हे धनंजय, तू संबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। बुद्धिर्युक्तो जहाती हैं उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्सु योगः कर्मसु कौशलम्। संबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है, इससे तू समत्व रूप योग में लग गया, यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। इस प्रकार श्लोक संख्या 41 से 50 तक का हमने किया, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, और मैं अगले 51 से आगे 60 तक के श्लोकों का पाठ अगले भाग में करेंगे।